अगर आप अपने लैपटॉप या तो पीसी में जो पॉपुलर गेम है पबजी की तरह फोर्टनाइट, उसको आप इंस्टॉल करके प्ले करना चाहते हैं अपने पीसी लैपटॉप में विंडोज़ 10 में, और लेकिन आपको नहीं पता कि अपने लैपटॉप में उस गेम को, फोर्टनाइट गेम को किस तरीके से इंस्टॉल करना है, तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा। बिकॉज़ आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप फोर्टनाइट गेम को अपने लैपटॉप पीसी में किस तरीके से इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे मैं जो ब्राउज़र का यूज़ करूँगा वो है विंडोज़ की तरफ से जो ब्राउज़र है माइक्रोसॉफ्ट एज, मैं इसी ब्राउज़र का यूज़ करेगा। आप कोई भी ब्राउज़र का यूज़ कर सकते हैं, बट जब बात आती है ना विंडोज़ के बेस्ट ब्राउज़र की, तो यहाँ पे ये ब्राउज़र सबसे बेस्ट होता है। जिस तरीके से एंड्रॉयड के लिए क्रोम ब्राउज़र बेस्ट है, उसी तरह विंडोज़ के लिए माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र काफ़ी फास्ट होता है यार। तो यहाँ पे आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपली टाइप करना है फोर्टनाइट डाउनलोड फॉर पीसी, ये आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करके आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा एपिक गेम फोर्टनाइट, ये वाला ऑप्शन। तो ये वाले ऑप्शन पे आपको टैप करना है। बिकॉज़ यहाँ पे फोर्टनाइट गेम को डाउनलोड करने से पहले आपको यहाँ पे एक एप्लीकेशन है जो कि इंस्टॉल करना होगा, और वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद उस एप्लीकेशन को ओपन करके वहाँ से आपको फोर्टनाइट गेम को डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले इस एपिक गेम फोर्टनाइट पे क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर टैप करेंगे, देन उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो जैसे आप वहाँ पे आप टैप करोगे, देन उसके बाद ये स्क्रीन यहाँ पे ओपन होगा। यहाँ पे लिखा है एपिक गेम्स .com, ये वेबसाइट होगा। अभी आपके पास कौन सा पीसी है उसके ऊपर, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल, आप अगर अपने एंड्रॉयड मोबाइल में फोर्टनाइट गेम को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपको एंड्रॉयड पे क्लिक करना है, या तो अगर आपके पास मैक है, एप्पल मैकबुक प्रो या फिर मैक, तो आपको मैक पे क्लिक करना है, या तो अगर आपके पास है विंडोज़ तो विंडोज़ के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अभी यहाँ पे मेरे लैपटॉप में ये विंडोज़ है, तो मैं विंडोज़ पे टैप करूँगा। तो जैसे ही मैं टैप करूँगा, नीचे यहाँ पर एप्लीकेशन जो है एपिक गेम का एप्लीकेशन, वो यहाँ पे इंस्टॉल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे व्यू डाउनलोड पे जाता हूँ मैं, तो फिर से यहाँ पे जाना हूँ, तो ये एप्लीकेशन यहाँ पे इंस्टॉल्ड हो रहा है। यू कैन सी दैट, यह एप्लीकेशन का नाम है एपिक इंस्टॉलर, यह एप्लीकेशन का नाम है। तो अभी यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, ये जो कि डाउनलोड यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब बस यहाँ पे ज़रा वेट करना है, पीछे साइड में कुछ ऑप्शन आया है तो उसको ज़रा मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये रहा, ये थोड़ा एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो जैसे आप एपिक इंस्टॉलर इंस्टॉल करेंगे, जैसे उसका डाउनलोड कंप्लीट होगा, ये स्क्रीन आपको पॉपअप हो जाएगा। तो आपको बस यहाँ पे कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे नेक्स्ट किया, देन इसके बाद आपको रिपेयर पर क्लिक करना है। रिपेयर पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बस कंटिन्यू करते जाना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रेडी टू रिपेयर एपिक गेम्स लॉन्चर। तो यहाँ पे बस आपको थोड़ा सा वेट करना होता है। यहाँ पे ऑलमोस्ट ये कभी कभी 1 मिनट ले लेता है पूरे प्रोसेस इंस्टॉल्ड होने के लिए आपके विंडोज़ में। तो यहाँ पे बस आपको थोड़ा वेट करना है, यहाँ पे अभी लोडिंग हो रहा है। तो बस वो रिपेयर वहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे बस अभी यस पे क्लिक करना है। जैसे ही यस पे क्लिक करूँगा, ये प्रोसेस है इंस्टॉल्ड हो जाएगा। देर उसके बाद आपको रन करना है। तो यहाँ पे अभी ये ऑप्शन होगा, तो यहाँ पे बस आपको फिनिश पे क्लिक करना है। जैसे ही फिनिश पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल्ड हो जाएगा। वेल, ये जो प्रोसेस होता है रिपेयरिंग द एपिक लॉन्चर, ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसीजर होता है। तो वो ऑप्शन कंप्लीट होने के बाद जो आपको यहाँ पे मैंने उस एप्लीकेशन को सेटअप विजार्ड पे मैंने यहाँ पे सेट करके रखा है। यू कैन सी दैट एपिक गेम लॉन्चर,
ये है आप लोग को एप्लीकेशन, पहले अपने विंडोज़ 10 में इंस्टॉल करना होगा फोर्टनाइट गेम को विंडोज़ 10 में डाउनलोड करने के लिए। तो इस एप्लीकेशन की आपको ज़रूरत पड़ेगी एपिक गेम लॉन्चर, बिकॉज फोर्टनाइट गेम आपका इसी की हेल्प से इंस्टॉल्ड होगा। सो लेट मी सिलेक्ट इट। तो इस एप्लीकेशन को ज़रा मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये अभी यहाँ पे ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे ये डिपेंड करता है लैपटॉप के परफॉर्मेंस के ऊपर कितना टाइम लेता है ओपन होने के लिए। सो ये रहा, जैसे आप इसको ओपन करेंगे यहाँ पे आपको कॉर्नर में दिखेगा फोर्टनाइट। अब ये जो गेम है काफ़ी ज़्यादा स्पेस लेगा, यानी कि जो गेम का साइज़ है 35 GB। तो मैं इस गेम को सिर्फ आपको इंस्टॉल डाउनलोड करके दिखाऊंगा, लेकिन इस गेम को मैं इंस्टॉल नहीं करूंगा, बिकॉज 34 GB मेरे लैपटॉप में इतना स्पेस भी नहीं है कि 34 GB को ये कवर करे, बिकॉज गेम का साइज़ ही है, पबजी का जो साइज़ है ओनली 1.5 GB का है, लेकिन ये फोर्टनाइट गेम का जो साइज़ है 1.5 GB है यार, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। तो बस अभी आपको इसको इंस्टॉल करना है, तो आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे जो इसका इंस्टॉलेशन है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि जो डाउनलोडिंग प्रोसेस है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। सो हियर यू कैन सी दैट, ये रहा फोर्टनाइट, और ये यहाँ पे आप देख लो गेम का साइज़ कितना है, 34 GB। तो डाउनलोड करने से पहले यहाँ पे आप सोच लीजिएगा कितना टाइम आपका यहाँ पे जाएगा। तो काफ़ी कॉस्टली है, अगर आप सही में आप गेम खेलेंगे फोर्टनाइट तो ही आप इसको इंस्टॉल करिए। अब यहाँ पे ये इंस्टॉल मतलब ये डाउनलोडिंग हो रहा है यहाँ पे, और ये रहा हमारा फोर्टनाइट, यू कैन सी दैट। तो आपको यहाँ पे एपिक गेम लॉन्चर एप्लीकेशन यूज़ करना है फोर्टनाइट गेम को अपने पीसी में इंस्टॉल करने के लिए। तो यहाँ पे 34 GB का गेम है, यू कैन सी दैट। तो जैसे मैंने आपको प्रोसेस बताया वैसे ही करना है। सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है, ब्राउज़र में आपको टाइप करना है फोर्टनाइट एपिक गेम फॉर पीसी, देन इसके बाद आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है।